বাংলার পাশাপাশি আজ উত্তরপ্রদেশের আলুর দামও ঊর্ধ্বমুখী আজ উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন মোকাম ও মান্ডিতে প্রতি প্যাকেটে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বাড়লো আলুর দাম এই দামে আলু বিক্রি করে উচ্ছাসিত উত্তরপ্রদেশের আলু চাষী ও ব্যবসায়ীরা নমস্কার আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজ আর আজ আমরা আছি উত্তরপ্রদেশের মেইনপুরি জেলার গড়িয়া গোবিন্দপুরের আলুর জমিতে চলুন এখন এই এলাকার আলু চাষীদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেওয়া যাক আজকের আলুর দাম আলুর ফলন কেমন হচ্ছে দর্শক বন্ধু দু সাল থেকে বিগত ১৩ বছর ধরে এস এম এস অ্যাপ ও ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আলুর সঠিক খবর পৌঁছে দিচ্ছি আমরা তাই চ্যানেলে নতুন হলে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন সারা দেশের আলুর দামের লাইভ আপডেট পাওয়ার জন্য প্লে স্টোর থেকে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপটি ডাউনলোড করুন আর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে গ্রাম বাংলার সমস্ত প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিন নমস্কার নমস্কার মে নাম সচিন রাজপুত গ্রাম গড়িয়া গোবিন্দপুর আলু খেতে কতনে বর্ষো ঐসে জানি দু আলু খেতে তো জাদা সময় নেই কর রা হুম लगभग पाँच छः साल से मैंने आलू करना स्टार्ट किया है और इस साल आपने कितना आलू लगाया है इस साल हमने पंद्रह से बीस बीघा आलू मैंने लगाया है जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं इस खेत में आज आपके आलू की खुदाई चल रही है और लेबर लोग काम कर रहे हैं तो इस खेत में जो आज आलू क्या रेट बिका है आज ये हमारा आलू छः सौ चालीस रुपये प्रति कट्टा बिका हुआ है आपको अभी हम वीडियो में दिखा दें ये आलू है ये एक कट्टे का छः सौ चालीस रुपये कट्टे का पैकेट रेट है आ, आज का रेट और यहाँ पर मैनपुरी ज़िला में ये खेतों से आज छः सौ चालीस रुपये कट्टे की बिक्री हुई है आपने इस साल आलू पिछले साल से कम लगाया है ज़्यादा लगाया है पिछले साल से ज़्यादा आलू लगाया मैंने पिछले साल से ज़्यादा लगाया है हाँ ये मेरा ख्याति आलू है और मैंने चिसोना भी आलू लगाया है और उसके साथ मैंने ये क्या बोलते हैं वो आलू पुखराज पुखराज लाल वो भी मेरे पास आलू लाल पुखराज आलू। लाल पुखराज वो भी तो, आलू है आज ये ख्याती आलू की जैसे आज आलू ये पिछले कल से महंगा हुआ है सस्ता हुआ है रेट डाउन की तरफ है आई मंडी थोड़ी अभी टाइट है मंडी टाइट, टाइट है, है। हाँ, मंडी टाइट है और ये जो ख्याति आलू या सैतल सप्तान में आलू या जो लाल आपने पुखराज आलू लगाया है उसको लगाने में कितनी लागत लग जाती है अगर एक बीघे में कितनी लागत ऑल ओवर पूरी जैसे आप तो लेबर से ही काम कराते हो टोटल तो पूरा अगर लागत देखी जाए कितनी आ जाती है एक बीघे में करके पूरी अगर एक बीघे में अगर पूरा अगर देखा जाए तो मिनिमम मान के चलो आठ से दस हज़ार रुपये लागत माने के चलो एक एक बीघे में आठ से दस हज़ार रुपये हाँ। और जैसे कई जगह किसान बता रहे हैं पंद्रह से बीस हजार तक आ जाती है अगर आलू खरीद के अगर लगाया जाए तो अगर वो किसान अगर जैसे खेत अपना उगाई पे लेता है और फिर लागत अपने अनुसार होती है कि लागत अपना किस हिसाब से अपना डालते हैं वो अपने आपके इस खेत में आठ से दस हजार रुपये बीघे की लागत आ गई लागत आ गई और ये जिस खेत की आलू खुदाई चल रही है हम वीडियो में दिखा रहे हैं अभी ये पैदावार कैसी है कितने बीघे कट्टे के निकल रहे मेरा पचास से पचपन का अनुमान है पचास से पचपन तक का हमारा इसमें पचास से पचपन कट्टे बीगे निकल रहा है अभी जो किसानों को आलू के रेट मिल रहे हैं छः सौ चालीस रुपए कट्टे एक कट्टे में लगभग पचास से पचपन किलो के बीच में आलू होता है तो किसानों को रेट अभी सही मिल रही है मेहनत के हिसाब से या नहीं मिल पा रही है मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो अभी उचित दर सही है और किसान को भी सही भाव भी मिल रहा है और सही अभी बढ़ ही रहा है भाव जैसे आगे पता नहीं क्या हो, अभी रेट हाँ। अपने हाई की तरफ चल रही है हाँ अभी वैसे अगर किसान अपने गुंजाइश के अनुसार है अपना कोल्ड में भी रख सकते हैं आगे का भाव किसी ने नहीं जाना क्या क्या नहीं है लेकिन अभी उचित दर मिल रहा है किसान को जैसे अगर इस भाव और मैनपुरी क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी वेरायटी का आलू होता है और कितने परसेंट आलू खुदाई हो गई है आलू की खुदाई लगभग पूर्ण हो चुकी है लगभग अस्सी परसेंट आलू खुदाई हो चुकी है अस्सी परसेंट खुदाई हो चुकी है पंद्रह से बीस परसेंट खुदाई रह गई है रह गई है। और इस क्षेत्र में स्टोर की क्या कैसी स्थिति है स्टोर की स्थिति ये है कि कोल्ड अनुमानित अभी सभी कोल्ड फुल होने की कगार पे हैं कोई खाली नहीं रहेगा तक अनुमान है जाते सब कोल्ड फुल हो जाएंगे ये जो मैनपुरी जिला में तो कोल्ड लगभग फुल हो जाएंगे हाँ कोल्ड फुल हो जाएगा कोल्ड खाली कोई नहीं रहेगा आलू अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पिछली साल से आलू क्षेत्रफल में कम लगाया गया है ज़्यादा आलू ज्यादा लगा पिछली साल से ज्यादा आलू लगा जब मैंने ही पिछले साल कम लगाया तो इस साल मैंने ज्यादा आलू लगाया चार पाँच बीघा ज्यादा आलू लगाया मेरे पिछली साल से ज्यादा हाँ ज्यादा लगाया इस साल पैदावार पिछले साल से कैसी कम है या ज़्यादा है? पैदावार सही है कम तो खैर नहीं वैसे हमारे यहाँ तो पैदावार ठीक है जैसे जैसे किसान भाइयों ने कच्ची सीजन आलू खोद दिया है खुदाई कर दी है उनकी बता रहे पैदावार कम थी उनको नुकसान भी हुआ आलू के रेट में और अब सही रेट मिल रहे हैं मेहनत के हिसाब से सही बहुत ही अच्छे रेट मिल रहे हैं अच्छे रेट मिल रहे हैं बढ़िया है रेट मिल रहे हैं और इस साल स्टोर फुल हो पाएंगे और क्या उम्मीद है जैसे कई लोग बता रहे हैं दो हज़ार रुपये तीन हज़ार रुपये कट्टे बिक जाएगा ऐसी ऐसी क्या अफवाह फैला फैलाई जा रही है उसके बारे में भाव किसी ने आगे नहीं देखा है कि कितना आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है और अभी प्रेजेंट टाइम में भी अगर माना जाए तो किसान को सही अभी भाव आलू का मिल रहा है आगे किसी ने नहीं देखा कि कितना क्या भाव रहेगा आलू का ठीक है वो हम नहीं जानते आप भी नहीं जानते हैं जैसे हमारे जो इस इस क्षेत्र से किस किस जगह आलू बेचने ले जाते हैं मंडी में और इस हमारे यहाँ से तो कुरवली भी जाता है फरुखाबाद भी जाता है कानपुर भी लोग ले जाते हैं आलू और भोग भी ले जाते हैं और ज़्यादातर व्यापारी अब गांव गांव घूम रहे हैं तो वो ज़्यादातर तक आदमी ही दे देता आलू और इस क्षेत्र में कौन कौन सी मुख्य वेरायटी का आलू ज़्यादातर किया जाता है ज़्यादातर यहाँ ख्याति आलू पैदावार ही ज़्यादा करता है और उसके साथ साथ अभी एक नया जो आलू है वो क्या नाम है मोहन कुफरी मोहन कुफरी भी इस साल आदमी ने लगाया है आलू तो वो भी अच्छी पैदावार हुई है उसकी मोहन कुफरी का कैसी पैदावार है वो कैसा निकल रहा है अब मैंने तो कभी मोहन कुफरी किया नहीं है आप हमारे चैनल इंडिया पटेटो हिंदी के माध्यम से किसानों को कोई संदेश देना चाहते हो मैं ये सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ आपको सही उचित दर मिल रहे हैं तो अपने आलू की बिक्री कर दें और कोल्ड में भी अपना आलू रखें और जैसे आपने चिपसोना आलू और लगाया है। जी। चिपसोना आलू की क्या, कैसी और कैसी पैदावार है उसकी है पिछली साल जब मैंने चिपसोना आलू लगाया था तो मेरी चालीस रुपये की पैदावार हुई थी कट्टे की सॉरी चालीस कट्टे की एक बीघे में और इस साल क्या क्या कही थी और अगर, अगर अभी तो खोदा तो नहीं है अब वो जब खुदाई होगी उसके बाद पता लगेगा लेकिन आलू पिछली साल से मेरा अच्छा था तो शायद लगभग पचास हमारी अनुमान है पचास पैकेट बीघा कह दो निकले और आलू आलू और ख्याति में रेट में भी कुछ अंतर रहता है चिपसोना और ख्याति में अंतर अंतर तो रहेगा ही क्या अंतर रहता है चिपसोना से चिपसोना इससे थोड़ा बेटर आलू है वो खाने में भी लोग ज्यादा पसंद करते हैं और इस साल आपने जो चिपसोना लगाया है उसमें कितनी लागत लग गई है लागत कोई ज्यादा नहीं होती नॉर्मली होती है इससे कोई ज्यादा नहीं अब यह कि इसमें अगर आठ हजार या दस हज़ार लग तो उसमें एक दो हज़ार ज़्यादा मांगे चलो बारह हज़ार रुपये बीघा लग जाएगी उसमें थोड़ी लागत ज़्यादा लग जाती है थोड़ी बहुत आप इस साल पिछली साल से स्टोर में आलू ज़्यादा रखोगे या कम रखोगे आलू पिछली साल से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे थोड़ा ज़्यादा रखोगे और आप इस क्षेत्र में जो भगवान क्षेत्र है इस साल किसान स्टोर में ज़्यादा रखने का मूड बना रहे हैं यानी कि मन कर रहे हैं या कम रखने का कर रहे हैं आप व्यापारी इस साल ज़्यादा रख रहे हैं पहले কিষান স্টোর জাদা নেই করছে লেক ভাও থোড়া উছলা তো কিষান সব স্টোর কেলি তারা ভাগনে লাগে তো স্টোর করনে লাগে আলু অ ব্যাপারী বিশাল স্টোর কর রায় আলু এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত এই অনুষ্ঠান বাজারে নির্ধারক নয় অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচারপুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে আলুর প্রাত্যহিক বাজারদর দর আলুর সর্বভারতীয় বাজারদর আলুর সকালের বাজারদর লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট বিগত দশ বছরের আলুর তথ্য সারা ভারতবর্ষের কুড়ি হাজার আলু চাষী ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোই প্রেস্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেরো মার্কেট রেট অ্যাপ দু সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে